हेलो क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर नंबर वन द चाइल्ड स्टोरी। तो एच वाला करना है, पेज नंबर 11 का हाफ पार्ट मैंने करवा दिया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं राइट द एंटोनियम विलोम शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड निम्न शब्दों के। मैरी, मैरी मतलब खुश, तो सैड SAD सैड, सैड मतलब दुखी। सडन SUDDEN सडन मतलब एकदम से। GRADUEL ग्रेजुअल मतलब होता है ये। प्लेजर प्लेजर मतलब खुशी। तो सोरो SORROW सोरो, सोरो मतलब दुखी। पीसफुल मतलब शांति, तो इसका हो जाएगा नॉइज NOISY नॉइजी मतलब शोर। LOST लॉस्ट मतलब नुकसान, तो लॉस्ट का क्या होगा गेट GET मतलब मिलना। QUARREL क्वेरल मतलब झगड़ा, तो AGREEMENT एग्रीमेंट मतलब समझौता। डिक्लाइन मतलब मना करना। एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। काम मतलब शांति। RRITABLE इरिटेबल यानी चिड़चिड़ापन। लव्ड मतलब प्यार। हेटेड HATED हेटेड मतलब नफरत। सॉफ्टली यानी स्मूथ मुलायम नरम। SOFTLE अलाउड ALOUD अलाउड मतलब तेज। हु सेड द डायलॉग गिवन बिलो कौन ने कहा था ये वाक्य जो नीचे दिए गए हैं। आई एम ऑलवेज टू प्ले कम एंड प्ले विथ मी मैं हमेशा खेलता रहता हूँ, आओ मेरे साथ और खेलो मेरे साथ। तो कौन ने बोला चाइल्ड ने CHILD चाइल्ड मतलब बच्चा। वॉट डू यू डू हेयर तुम यहाँ क्या कर रहे हो कौन बोल रहा था यहाँ पे। ट्रैवलर TRAVELLER ट्रैवलर। आई एम ऑलवेज लर्निंग मैं हमेशा सीखता रहता हूँ कौन बोल रहा है। हैंडसम बॉय HANDSOME हैंडसम BOY बॉय। कम एंड लव विथ मी आओ और प्यार करो मेरे साथ। तो यंग मैन बोलता है YOUNG यंग MAN यंग मैन बोलता है। आई एम ऑलवेज बिजी मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ कम एंड बी बिजी विथ मी आओ और मेरे साथ व्यस्त रहो। कौन बोल रहा है मिडिल एज जेंटलमैन MIDDLE मिडिल AGE एज जेंटलमैन GENTLEMAN जेंटलमैन। सर्कल द सब्जेक्ट को सर्कल करें एंड अंडरलाइन द प्रिडिकेट को अंडरलाइन करें द फॉलोइंग सब्जेक्ट सेंटेंस जो ये सेंटेंस में हो रहे हैं। द अर्थ मूव राउंड द सन पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के, तो किसकी बात हो रही है पृथ्वी की। तो द अर्थ पे गोला होगा और बाकी सब क्या है प्रिडिक्ट, जिसकी बात हो रही हो वो सब्जेक्ट रहता है और उसके बारे में क्या बात हो रही हो वो प्रिडिकेट्स रहता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस ये बहुत ख़तरनाक है, क्या ख़तरनाक है किसकी बात हो रही है ये की। तो इट क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, इसमें सर्कल लगेगा इज़ वेरी डेंजरस। द काउ इज़ गिफ्टेड टू मी गाय मुझे गिफ्ट मिली है मेरे को तोहफे में मिली है, तो किसकी बात हो रही है इसमें काउ की। तो काउ में सर्कल इज़ गिफ्टेड टू मी में अंडरलाइन। वी आर अनेबल टू फॉलो यू हम तुम्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वी क्या है सब्जेक्ट है और आर अनेबल टू फॉलो यू में अंडरलाइन। दिल्ली इज़ ब्यूटीफुल सिटी दिल्ली बहुत सुंदर शहर है, तो किसकी बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली में सर्कल और बहुत। यू आर नॉट वेल नाउ तुम यहाँ भी ठीक नहीं हो, तो किसकी बात हो रही है तुम की, तो यू और फिर ये अंडरलाइन लगी आर तुम अभी ठीक नहीं हो, तो आर नॉट वेल ये इसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है यू की।
अंडरलाइन द फ्रेज, फ्रेज पे अंडरलाइन करो इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस। फ्रेज मतलब क्या होता है कि तुम्हारी लड़की के लंबे बाल हैं, वो पीले कलर का सूट है, और कोई भी चीज़ की बात हो रही हो ऐसे। द ट्रेवल पोस्ट कार्ड आर अमेजिंग, जो यात्रा का जो पोस्ट कार्ड रहता है वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। तो पोस्ट कार्ड आर अमेजिंग, ठीक है। द बॉय वियरिंग द वाइट सूट लुक एलिगेंट, तो क्या कर रहा है जो लड़का पहन रहा है किस तरह का वाइट सूट जो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो द वाइट सूट लुक एलिगेंट। टेल मी व्हाट शुड आई डू विथ द येल्लो स्पेक्टिकल, मुझे बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए ये सफ़ेद चश्मे के साथ। तो द येल्लो स्पेक्टिकल्स फ्रेज हो जाएगा, इसमें अंडरलाइन हो जाएगी। द रूम नेक्स्ट टू द किचन इज माइन, कमरे के बाजू में किचन के बाजू में जो कमरा है वो मेरा है। तो द रूम नेक्स्ट टू द किचन हो जाएगा, इज माइन, ये काट देना, इस पर अंडरलाइनिंग यहाँ से। लेट सिट ओवर एट द राउंड ग्लास टेबल, तो किसकी ग्लास टेबल कैसी है, राउंड गोले में है, तो ये हो गया द राउंड ग्लास टेबल, ठीक है। आई बाउच अ रेड सिल्कन स्कार्फ, मैंने ख़रीदा एक लाल कलर का सिल्कन स्कार्फ ख़रीदा फ्रॉम द शॉप, दुकान से। तो ए रेड सिल्कन स्कार्फ, ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, वो बहुत ही अमीर आदमी है। तो ए मैन विद ग्रेट वेल्थ। दे आई मेट अ बॉय, वहाँ पर मैंने एक लड़के मिला विथ रेड हेयर, कैसे बात है उसके लाल हेयर, रेड हेयर। ही रिप्लाइड इन अ वेरी रूड मैनर, उसने बहुत बुरी तरीके से बात करी, तो वेरी रूड मैनर। ही वॉन्ट टर्बन मेड ऑफ गोल्ड, उसने पहनी पगड़ी जो सोने की थी, वो टर्बन मेड ऑफ गोल्ड। अरेंज द वर्ड एंड फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट, शब्दों को जमाएँ जो ब्रैकेट में दिए हैं इन राइट, एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और अच्छा सेंटेंस बनाए। द चीफ गेस्ट स्पोकन अबाउट हिज चाइल्डहुड, चीफ गेस्ट बता रहे थे अपने बचपन के बारे में। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन के बाद गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर हायर स्टडी, गांधी जी लंदन चले गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। आर कॉलेज इज 5 miles अवे इन द टाउन, हमारा कॉलेज 5 miles दूर है टाउन से। माई फादर बिकेम बहुत वेरी सैड, मेरे पापा बहुत दुखी हो गए थे जब उन्होंने हियर्ड सुना आई हैड फेल्ड इन माई टेस्ट, जब मैं अपने टेस्ट में फेल हो गया था। द बॉयज ये नंबर लिख दिए हैं 1, 2, 3, ये ऐसे कर लेना 6, 2, 1, 5, 4, 3 फोर्थ वाले का। अब देखिए द बॉय वर टायर्ड एंड हंगरी, जो लड़के थे वो बहुत थके हुए भूखे थे आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, लंबी सैर के बाद। तो ये हो गया 2, 3, 1। द लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर है इन अ लिक्विड, जो पानी में गिरा, व्हेन आई द लिटमस पेपर व्हेन आई डिप्ड इट, जो लिटमस पेपर है जब मैंने उसे डुबाया इन अ लिक्विड पानी में, टर्न रेड, वो किस तरह का हो गया, रेड कलर का हो गया। अब्राहम लिंकन थे द मैन, आदमी हु फ्रीड द स्लेव इन अमेरिका, जो ये हो गया 2, 3, 1, 4। दिस इज़ वॉट, ये वही है रिपोर्टेड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टेड होता है 2, 3, 2, 1, 3, 4। द ओल्ड वुमेन टोल्ड, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत बता रही थी, आर लॉट ऑफ स्टोरी, उसकी बहुत सारी कहानी हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने नाते पोतियों को। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, आइसलैंड है पूरी दुनिया का। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड स्क्रीन पे आगे वाला वीडियो है जिसमें थिंक एंड राइट और नो योर आइडियल का है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।